हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मास्क को लेकर सरकार के आदेश पर उठे कई सवाल। राज्य में दिन ब दिन कोविड वायरस थमने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन ब दिन इन मामलों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब मास्क लाजमी किया है। मास्क ना पहनने वालों को अब अधिकारी ढूंढ ढूंढ कर जुर्माना आयत कर रहे हैं। जुर्माने की रकम सुनते ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस जुर्माने की रकम को लेकर पिछले 3-4 दिनों से राज्य के ज़्यादातर जिलों में लोग अधिकारियों से भिड़ रहे हैं। ऐसी ही घटना बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में घटी है। यहाँ मार्शल्स ऑटो में जा रही एक युवती को रोककर 1000 का जुर्माना आयत किया तो रुपया ना होने पर युवती गिड़गिड़ाने लगी। मार्शल ने खैर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर सवाल ये उठा है कि कार बाइक वगैरह में सवार लोगों को भी क्या मास्क लाजमी तौर पर पहनना चाहिए? 1000 रुपये जनता से वसूलने पर जनता कह रही है कि क्या इससे कोविड-19 के मामले कम होंगे? अब आने वाले दिनों में अधिकारी कहेंगे कि यही मास्क पहनो, दूसरा मास्क नहीं चलेगा। कोविड वायरस के इस संकट की घड़ी में ना काम है ना कोई धंधा ही सही ढंग से चल रहा है। ऐसे में अपनी गाड़ी कमाई की रकम कौन देगा? सरकार को चाहिए कि इस जुर्माने की रकम को कम किया जाए, कह रही है जनता। व्यक्ति की मदद, PSI की इंसानियत। रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश से धारवाड़ में आकर मुश्किल में फंसे एक व्यक्ति को अपने मुल्क लौटाने के लिए PSI महेंद्र कुमार ने मदद की है। कुछ दिनों पहले बाइक और लॉरी के बीच हादसा हुआ था। इस हादसे में इंदौर निवासी ईश्वर घायल हुआ था, जिसमें इनका पैर टूटा था। इलाज के लिए भी रुपया नहीं था, तो जब कांस्टेबल निंगप्पा और मोहन ने इसकी जानकारी धारवाड़ ग्रामीण पुलिस थाने के PSI महेंद्र कुमार को दी तो इन्होंने इसको अपने गांव लौटाने के लिए मदद की है। गोल्लर अभिवृद्धि निगम की स्थापना की मांग। आज बल्लारी में जिला गोल्लर संघ के सेक्रेटरी चिदानंदप्पा के नेतृत्व में गोल्लर समुदाय के लोगों ने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर जिला अधिकारी के जरिए CM को निवेदन पत्र सौंपा। इस मौके पर बात करते हुए संघ के सेक्रेटरी चिदानंदप्पा ने कहा कि सभी जातों में कई उपजातियां हैं, उसी तरह गोल्लर समुदाय में काड़ू गोल्लर, कृष्ण गोल्लर, हारवी गोल्लर और हाउ गोल्लर जैसी उपजातियां हैं। इन सब को यादव समुदाय कहते हैं। इन सब उपजातियों को अनदेखा करके CM ने सिर्फ काड़ू गोल्लर नामक अभिवृद्धि निगम की स्थापना की घोषणा की है, जबकि इससे दूसरे उपजातियों को कोई फायदा नहीं होगा। इस निगम को रद्द करके सिर्फ एक ही निगम गोल्लर अभिवृद्धि निगम की स्थापना की जाए, जिससे सभी उपजातियों को शामिल किया जाए, बताया सेक्रेटरी ने। दबे फॉल्स देखने गए दो युवकों की मौत। गुरमिटकल के नज़दीक नजरापुर ग्राम के दबे फॉल्स देखने पहुंचे दो युवकों की सेल्फी लेने के चक्कर में गिरकर मौत हो जाने की दुर्घटना कल शाम घटी है। बताया जा रहा है कि ये युवक हैदराबाद से एक शादी में शामिल होने के लिए गुरमिटकल आए थे। शादी के बाद फॉल्स देखने गए युवक मृतकों की शनाख्त 22 साल अब्दुल रहीम और 16 साल अदनान के नामों से हुई है। एक और युवक को पास ही के लोगों ने बचा लिया है। 10 दिन पहले ही यहां इसी तरह पानी में डूबकर एक युवक की मौत हुई थी। यहां बैरिकेड ना लगाने से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जिला प्रशासन को चाहिए कि सुरक्षा का प्रबंध करें। रेल की टक्कर 60 बकरियों की मौत। बल्लारी जिला सोंदूर तालुका के तारानगर के पास नारीहल्ली प्रदेश में बंदरी ग्राम के व्यक्ति बकरियां चरा रहा था कि अचानक वहां गुड्स रेल गुजर रही थी। बकरियां पटरी पर चारा चरते समय ये हादसा पेश आया। करीब 60 बकरियां रेल की जद में आकर हलाक हो गई। बकरियों के मालिक ने बताया कि 60 बकरियों की मौत से करीब 5 लाख रुपयों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब परिहार कौन देगा, ये भी एक सवाल है।
कोयते से हमला करके लूटने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुआ नजारा। 30 सितंबर को बेंगलुरु उत्तर हल्डी में हुई ये घटना की खबर देरी से मिली है। उस दिन पिग्मी कलेक्टर वरद राजू पिग्मी कलेक्ट करके उत्तर हल्डी के मेन रोड पर पहुंचे तो बाइक पर आए दो अनजान आरोपियों ने वरद राजू को रोककर रुपयों का बैग देने की धमकी दी। वरद राज ने बैग नहीं दिया तो आरोपियों ने इन पर कोयते से हमला करने की कोशिश की। वरद राज वहाँ से भाग निकले और लोग जमा हुए तो आरोपी भी भाग गए। इस घटना का पूरा नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। सुब्रमण्यम नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। अब देखना है कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करती है। ड्रग्स मुक्त कर्नाटक अभियान की शुरुआत। आज शिमोगा में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से शहर के नेहरू स्टेडियम में ड्रग्स मुक्त कर्नाटक अभियान की शुरुआत अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने अपने सिग्नेचर करते हुए शुरू किया। राज्य के युवाओं को अंधकार की ओर ले जाने वाली इस नशे की लत से हमारे युवक खोखले होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए इस ड्रग को ना लेने का संदेश देते हुए जागरूकता पैदा की गई। इस मौके पर बीजेपी युवा घटक के कई पदाधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर करके कर्नाटक से ड्रग्स का सफाया करने का संकल्प इस मौके पर लिया गया। IAS अफसर की पत्नी कांग्रेस में शामिल। मरहूम IAS अधिकारी DK रवि की पत्नी और सियासतदान हनुमंत रायप्पा की बेटी कुसुमा रवि आज बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस पक्ष की प्राथमिक सदस्य बनी। बताया जा रहा है कि नवंबर 3 को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में राजराजेश्वरी नगर से इन्हें चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया KPCC के अध्यक्ष DK शिव कुमार पूर्व डिप्टी CM जी परमेश्वर सहित कई नायकों की मौजूदगी में आज सुबह 11:45 के शुभ मुहूर्त में KPCC अध्यक्ष DK शिव कुमार ने इनका पक्ष में स्वागत करते हुए सदस्यता प्रमाण पत्र दिया। गौ तस्करी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एहतजाज। आज सुबह नेत्रावती नामक 407 वाहन में करीब 30 से 35 गायों को ले जाते हुए जब VHP के सदस्यों ने देखा तो बजरंग दल के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इन दोनों संगठन के सदस्यों ने वाहन का पीछा किया। बताया जा रहा है कि इस मौके पर मंगलुरु के मन्ना गुड्डा गुजरी के पास दो जानवर वाहन से नीचे गिरे हैं। इसी से आक्रोशित होकर सदस्यों ने यहां जानवर बांध कर रास्ता रोक कर एहतजाज करते हुए गांव की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाकर गौ तस्करों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया तो सदस्यों ने अपना एहतजाज खत्म किया। गांधी ग्राम पुरस्कार के लिए बीदर जिले के 8 ग्राम पंचायतों का चयन। 2019 और 20 के गांधी ग्राम पुरस्कार के लिए बीदर जिले के 8 ग्राम पंचायत औरा तालुका के जोजान, बसव कल्याण तालुका के मंथाल, भालकी तालुका के महकर, बीदर तालुका के अलियंबर, हुमनाबाद के घोड़वाड़ी, चितगुप्पा के उदबाल, हुलसुर और चेम्बी गांव ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला पंचायत CEO ने पंचायत राज विभाग के सेक्रेटरी को इन पंचायतों की फहरिस्त भेजी है। सभी सरकारी योजनाओं का अच्छी तरह इस्तेमाल करके फायदा उठाकर काम करने के कारण इस पुरस्कार के लिए इन ग्राम पंचायतों को चुना गया है। जिस्म फरोशी का धंधा एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गंगावती शहर के उपारवाणी के एक किराए के घर में जिस्म फरोशी के कारोबार की जानकारी पाकर पुलिस ने यहां रेड करके एक युवती की रक्षा की है। बताया जा रहा है कि यहां बहुत दिनों से ये धंधा चल रहा था। पुलिस ने मैलापुर निवासी सतीश अंबिगेरे नामक आरोपी को दबोच लिया है। एक और आरोपी विजय कुमार फरार होने में कामयाब हुआ है। मागड़ी निवासी 23 साल युवती को बचाकर पुलिस ने महिला सांत्वन केंद्र भेज दिया है। दोनों आरोपी रहने के लिए इस घर को किराए पर लिए था। दूसरे जिलों से युवतियों को लाकर यहां जिस्म फरोशी का कारोबार किया जाता था। गंगावती पुलिस थाने में इसको लेकर मामला हुआ है दर्ज।
एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज। गदग जिला लक्ष्मेश्वर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के समय ये सवाल उठता है कि ये कहां तक सही है। रोगियों को सही बेड की व्यवस्था न करते हुए साथ ही अस्पताल में शौचालय की व्यवस्था भी गंदगी से भरी है। इस गंदगी में ही रोगियों को गुजारा करना पड़ता है, जिसको लेकर मरीज और मरीज के रिश्तेदार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बेंगलुरु ड्रग्स मामले में तीन विदेशी नागरिक गिरफ्तार। बेंगलुरु में ड्रग्स मामले को लेकर सीसीबी पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज रफ्तार दे दी है। इसी बीच आईटीबीटी एम्प्लॉयज और कॉलेज स्टूडेंट को ड्रग्स बेच रहे तीन विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदानंद पार्क में सार्वजनिक जगह पर ड्रग्स बेचने की जानकारी के आधार पर तीन नाइजीरिया के विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों के नाम हैं अक्राइक एंथोनी अकोचोको एजोफोम अकोचोको वगवग चोको फ्रांसिस के नाम से आरोपियों की पहचान हुई है। इन आरोपियों के पास से 123 ग्राम कोकीन, 15 टैबलेट, बाइक्स और मोबाइल के साथ कुल 10,96,500 कीमत का सामान बरामद कर लिया गया है। इन आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट और विदेशी नामांकन कानून के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह विदेशी नागरिक स्टूडेंट वीजा और बिजनेस वीजा पर बेंगलुरु में रह रहे थे। वीजा की अवधि खत्म होने पर भी कानून का उल्लंघन करके यहीं रह रहे थे। इस रैकेट का किंगपिन जो नामी व्यक्ति अभी पुलिस के हिरासत में नहीं आया है। बायप्पन हल्ली पुलिस की तरफ से आरोपी की तलाश जारी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।